आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, आपको फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की भी इंटाइटलमेंट है। इतने बड़े मजमे में मुल्क के वज़ीर आज़म के सामने जो आपके दिल में है आपने कहा है, तो किसी ने स्टाइफल तो नहीं किया आपको? ये तो आपका आर्गूमेंट इधर ख़त्म हो जाता है। या तो ये हो खुदा ना ख्वास्ता कि आपको डिस्करेज किया हो, मॉडरेटर ने आपको रोकने की कोशिश की, मैंने नहीं की। अच्छा, इसके बाद खुदा ना ख्वास्ता आपको कोई नुकसान हो, तब भी कोई नुकता चीनी बन सकती है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये इल्ज़ाम कि यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें वज़न कम हो जाता होगा, कम वज़न होता। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के तहत इस मुल्क की हमारी अपनी चकर्ड हिस्ट्री है, उस पर अगर मैं चाहूँ तो घंटों बात हम कर सकते। अगर जिस दौरान की तरफ आप मुझे इशारा दे रहे हैं, उस दौरान में यहाँ पे ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट थे उनको गोलियां मारी गई, उनके साथ और ऐसे हरकत हुई जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़िम्मे में तो बिल्कुल नहीं आते। लेकिन हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकल और सोशल और जर्नलिस्टिक कल्चर है, नहीं होना चाहिए इस तरह, इसको डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन ये एक स्पेसिफिक दौर के साथ नहीं जुड़ा हुआ। मैं हुकूमत में आता हूँ तो मुझे इजहार राय जो है ना वो जहर लगता है। अगर आपको दे दूँ हुकूमत तो आपको जहर लगना शुरू हो जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम।